गौर से देखिएगा इस वीडियो को, ये आपको एक बहुत बड़ी हैवी मशीन शो हो रही होगी। आखिर ये रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है? ये मशीन गिट्टी को फिल्टर कर रही है। तो दोस्तों नमस्कार, दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AR Lifestyle में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोन फिल्टर न्यूमेट्रिक मशीन के बारे में। यानी कि जो रेलवे में जो गिट्टियाँ पड़ी होती हैं, स्टोन पड़े होते हैं, उनको फिल्टर करके किस टाइप से यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक ऊपर एक पट्टा लगा हुआ है, इसके द्वारा गिट्टी फिल्टर करके साइड में की जा रही है और जो बड़ी बड़ी गिट्टी है वो ट्रैक पर डाल दी जा रही है। तो दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता है ट्रैक पर, इसका क्या यूजेस होता है? तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि हमारे भारतीय रेल में जो रेलवे की स्पीड बढ़ाई है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है रेलवे ट्रैक का। तो दोस्तों ट्रैक जितना अच्छा रहेगा, जितना पावरफुल रहेगा, उतनी ही स्पीड से हम ट्रेन को चला पाते हैं। तो दोस्तों ट्रेन अत्यधिक चलने के कारण गिट्टी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे कि ट्रेन का हैवी लोड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ट्रैक की ख़त्म हो जाती है। इसलिए छोटी गिट्टी को फिल्टर करके अलग कर दिया जाता है और मोटी मोटी गिट्टियों को रख दिया जाता है और एक्स्ट्रा मोटी गिट्टियों को इस पर बिछा दिया जाता है। तो दोस्तों न्यू मैट्रिक स्टोन फिल्टर मशीन आपके सामने शो हो रही होगी। देखो ये बिल्कुल ट्रैक के नीचे से गिट्टियों को निकालती है, आप देख रहे होंगे इसको, और जो गिट्टी ट्रैक के लिए काम के लिए है उसको ट्रैक पर ही छोड़ दिया जाता है, और जो गिट्टी ट्रैक के काम के लिए नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल साइड में छोड़ दिया जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल जो बिल्कुल बारीक गिट्टी है, धूल है, मिट्टी है, कण है, वो तो सारे के सारे ट्रैक से अलग किए जा रहे हैं इस मशीन के द्वारा और मोटी गिट्टी को ट्रैक पर ही डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ट्रेन की स्पीड बढ़ाना है। पहले हम ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाते थे मैक्सिमम, लेकिन आज के युग में हम 140 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।